नमस्कार। सोरायसिस रुग्णों के लिए सोरायसिस का क्या नुकसान है, सोरायसिस से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? सबसे पहले जानिए, सोरायसिस ये जो बीमारी है ये चमड़ी की बीमारी है और अक्सर इसमें जो चमड़ी है वो ज़्यादा प्रमाण में निर्माण होती है। जैसे प्रतिकार शक्ति में बिगाड़ निर्माण होने से 10 से 15 गुना ज़्यादा तेजी से सोरायसिस की स्किन तैयार हो रही है और वो जो स्किन है वो डेड सेल है, वो कंटिन्यूस आपके शरीर से निकल रही है। और जब भी ये सोरायसिस की निकलती है या अपने शरीर से अलग होती है तो उसको खुजली आती है। तो सोरायसिस का सबसे बड़ा नुकसान है कि उसमें जो मेन लक्षण है वो खुजली आना, और इतनी ज़ोर से वो खुजली आती है कि आप उसको रोक नहीं सकते। और उसके बाद आपके शरीर से डैंड्रफ गिरता है, यानी डेड स्किन, अगर बालों में है तो डैंड्रफ गिरेगा। और ये जो डैंड्रफ गिरते रहता है तो बहुत लोगों को शर्म आती है और कई लोगों को ऐसा लगता है सोरायसिस को पेशेंट को देख के, अगर वो उनको छुए या उनके साथ रहे तो वो बीमारी उनको हो सकती है। तो ये जो है सोरायसिस का ये नुकसान है कि एक तो चमड़ी गिरने वाली है, खुजली आने वाली है और ये होने वाला है। उसके आगे चल के देखा जाता है कि सोरायसिस के पेशेंट को जो चेहरे पे जो धब्बा एक कुरूपता आती है चेहरे पे आना, इसके आना जो उसके दिखने में, इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है, वो लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, अकेले रहते हैं। अकेले रहने से और फिर ऐसा भी मालूम होता है कि ये जो बीमारी है ये लाइलाज है, ये ज़िंदगी भर रहने वाली है, थ्रू आउट लाइफ क्रॉनिक है और उसका कोई इलाज नहीं है। ये सुनने के बाद पेशेंट और निराश होता है और वो डिप्रेशन में जाता है। तो डिप्रेशन ये सोरायसिस का साइड इफेक्ट है और ये लोग फिर अकेले रहते, अकेले रहने से डिप्रेशन और बढ़ता है, लोगों में नहीं जाते, शर्म होती है। तो ये सोरायसिस का नुकसान है। सोरायसिस का इतना ही नुकसान नहीं है, आगे चल के ऐसा देखा गया है कि सोरायसिस की वजह से जब सोरायसिस बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जैसे विंटर में सोरायसिस बढ़ता है, तो इन लोगों को सोरायसिस की वजह से काम पे जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर वर्क लॉस है, यानी लोग काम पे नहीं जाते हैं, तो उसका कारण है बैक एक या पीठ में दर्द, और दूसरा कारण है सोरायसिस, क्योंकि 3% लोगों को सोरायसिस है। तो काम पे ना जाने की वजह में सोरायसिस दुनिया में नंबर 2 है। तो आपका आर्थिक नुकसान होगा, आपको जॉब मिलने में कठिनाई होगी, एम्प्लॉयर शायद आपको सोरायसिस की वजह से जॉब देना ना चाहे, या ऐसा कोई जॉब जो पब्लिक रिलेशंस में है ऐसा जॉब ना मिले, फिर वो डिप्रेशन है। फिर रिलेशनशिप में आपसे दोस्त है, आपका मैरिज है, ये सब चीज़ें आ सकती है। तो सोरायसिस का इलाज करना जरूरी है। और आगे चल के और एक चीज़ देखा गया है कि 50% जो सोरायसिस के पेशेंट है उनको एक प्रकार का जोड़ों का संधिवात होता है, जो गठिया की बीमारी बोली जाती है, तो वो होती है, उसको बोलते हैं सोरायटिक आर्थराइटिस, जिसमें यूजुअली आपके स्मॉल जॉइंट जैसे हाथों के जॉइंट्स जो है यहाँ से शुरुआत होती है और वो हमेशा के लिए टेढ़े हो जाते हैं, फिर काम करने में मुश्किल आ सकती है। तो ये सब सोरायसिस के नुकसान है और इसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग सोरायसिस का इलाज टेम्पररी करते हैं, पूरा इलाज नहीं करते कि जैसे मॉडर्न साइंस में सोरायसिस का इलाज करेंगे तो थोड़ी देर के लिए अच्छा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा सोरायसिस गया, फिर 4-6 महीने बाद वापस आएगा, फिर आप दवा लेंगे, ऐसे करने से सोरायसिस बढ़ता जाएगा। हालांकि होम्योपैथी में सोरायसिस का पूरा इलाज है। अगर आप पूरी तरह से सोरायसिस से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको होम्योपैथिक इलाज करना है, ताकि पूरा इलाज करने के बाद ऐसा पाया गया है, सोरायटेड जो हमारी संस्था है जहाँ हम 37 ईयर से रिसर्च कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने पूरी तरह से सोरायसिस का इलाज किया है उनको इलाज बंद करने के बाद भी 10 से 15 साल तक वापस सोरायसिस नहीं हुआ है, ताकि आप एक बार पूरा इलाज करें फिर जिंदगी भर सोरायसिस से मुक्त रहे, ऐसा इलाज करने से आपको फायदा होगा। लेकिन ये इलाज आपको कुछ सालों तक रेगुलरली करना है, तभी ये हो सकता है, ये आसान नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये मुश्किल भी नहीं है। धन्यवाद।